बनाकर जयंत चौधरी पर जब लाठी भांजी जयंत चौधरी पर, उसके लिए आप क्षमा याचना चाह रहे हैं, माफी चाह रहे हैं? नहीं, हम देखे, हम ये कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना उस घटना का ही नहीं, कहीं भी कोई भी कोई ऐसी बात हुई होगी तो गलती को गलती मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो आप माफी मांग रहे जयंत चौधरी से? नहीं, जयंत चौधरी से मैंने क्या कहा, घटना, मैं घटना का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, तो उस घटना के लिए माफी मांग रहे हैं आप, आपको अफसोस है? नहीं, हुआ होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए तो अफसोस होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपके नेता ने कहा और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कि बीजेपी के जो जाट सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है, बीजेपी जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना, जाटों ने भी मुगलों से लड़ा और बीजेपी भी लड़ रही है, 650 साल पुराना रिश्ता बीजेपी और जाटों का, और मुगलों से लड़ा, मुगलों के खिलाफ, आपकी पार्टी तो 1980 में बनी थी ना, 650 साल पुराना रिश्ता कैसे हो गया? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी निर्माण वर्ष आपने बताया, ठीक है, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक मूल मंत्र पर काम करती है, सब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, प्रदेश की ही बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, सभी आपस में भाई है, सभी का एक दूसरे से रिश्ता है। नहीं, ये तो कुछ खालिस्तानी भी होते हैं सर, इसमें कुछ पाकिस्तानी भी है, कुछ खालिस्तानी भी है, राष्ट्र विरोधी भी है आप लोगों के मुताबिक, लेकिन 650 साल पुराना रिश्ता में समझा नहीं। देखिए, पाकिस्तानी और खालिस्तानी को अगर खालिस्तानी ना कहा जाएगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी ना कहा जाएगा, उनकी सच्चाई कहने से किसी के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? ठीक है, 650 साल पुराने रिश्ते पे आइए सर, वो कैसे समझ आने में? हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी भाई है, रिश्ता तो स्वाभाविक ही है जब हम हिंदुस्तानी है। मेरी चिंता ये है कि आपने दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी के यहाँ पर मीटिंग करवाई, सही सर, ये वाली मीटिंग जो है सत्यपाल सिंह जी के यहाँ मेरठ में भी हो सकती थी जी, हो सकती थी ना सर, और यही वाली मीटिंग जो है संजीव बालियान जी के यहाँ मुजफ्फरनगर में भी हो सकती थी, आपने ये मीटिंग वहां क्यों नहीं करवाई? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, अब ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, अनुकूल माहौल और अनुकूल वातावरण की बात रही होगी, बहुत सारे कारण, अनुकूल वातावरण क्यों, क्या दिक्कत हो रही है सर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोगों को? नहीं, कहां दिक्कत हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश को, मैं बता रहा हूं, तो आगामी 10 मार्च का इंतजार कीजिए। मैं ये कह रहा हूं संजीव बालियान जी के यहां मुजफ्फरनगर में भी हो सकती थी मीटिंग, चावला जी मेरठ में भी हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? तो मैंने बताया ना, शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा अनुकूल माहौल, अनुकूल वातावरण के अनुसार, जहां उन्हें उचित लगा होगा, बहुत सारे सैकड़ों प्रोग्राम कार्यक्रम लगे हुए होते हैं, अनुकूल माहौल दिखाऊंगा, वो वातावरण का जिक्र किया था तो मैं उसी वातावरण के ऊपर आ रहा हूं। देवेंद्र लोधी की तस्वीरें प्ले करिए प्लीज, और देवेंद्र लोधी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दरअसल ये तस्वीरें जो हैं देवेंद्र सिंह लोधी, सयाना बुलंदशहर की तस्वीरें, हल्का सा एंगल सुखाइए, देवेंद्र लोधी, देवेंद्र लोधी, देवेंद्र लोधी, इसमें संजय त्यागी जी मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा, ये आपके विधायक हैं और वहां पर उनका विरोध हो रहा है और गांव वाले विरोध कर रहे हैं, क्या इसी विरोध के डर से आप लोगों ने ये मीटिंग दिल्ली में की थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार विरोध कैसा होता है, विरोध ये नहीं कि 20 लोग इकट्ठे कर दिए, सामाजिक तत्व इकट्ठे कर दिए और किसी विधायक जी के पीछे वो दौड़ लिए और जी विधायक जी का विरोध हो रहा, विधायक जी का विरोध हो रहा, ये राजनीतिक मनसा के अनुसार, राजनीतिक मनसा जो विपक्षियों की है, जो वो प्रदेश में एक गलत संदेश देना चाह रहे हैं कि विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, 10 मार्च के रिजल्ट सब कुछ तय कर देंगे। अच्छा, ये कृष्ण पाल सिंह का क्या मसला है, ये संजय त्यागी जी, इनको ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक वोट मिला था, आप कह रहे जन समर्थन वाले नेताओं को हमने जुटाया था, जाट नेताओं, संजय जी मैंने बड़े नेताओं नहीं कहा, मैंने कहा 253 नेताओं को हमने बुलाया। अच्छा, मुझे लगा कि बड़े जाट नेताओं को बुलाया, उसमें से देखा तो मैंने ब्लॉक प्रमुख में एक वोट मिला था, मुझे लगता है कि वो भी खुद का ही होगा इनका। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता।